गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चलिए दोस्तों आज जो हमारा जो क्लास रहेगी वो लास्ट है एनवायरमेंट की करंट अफेयर की जिसको हमने स्टार्ट किया था जनवरी 2020 से जो हमारा खत्म हो चुका सॉरी जनवरी जनवरी 2020 से खत्म हो गया हमारा दिसंबर 2020 को आज जो हमारी क्लास रहेगी वो है आज हमारी जनवरी 2021 से अभी तक का जो हुआ है मार्च एंड तक का

ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अभी क्या है ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पहले ये समझ लीजिए ये अमेरिका में एक ऐसी वॉल है देखेंगे आप अमेरिका का ये पूरा आपको मैप दिख रहा होगा ये तो पूरा का पूरा रीजन है सेनेगल से ये तो अमेरिका का एकदम जो आपका वेस्टर्न पार्ट है वहां से लेके ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो डीजीबीटी है वहां तक एरिट्रिया सूडान ये मॉरिशियन माली नाइगर छठ ये तो पूरी की पूरी जो चल रही है ये वाली ये तो ग्रीन में चल रही है ये है पूरी ग्रेट ग्रीन बॉल इनिशिएटिव ये बेसिकली इनिशिएटिव क्या है ये इनिशिएटिव पूरी की पूरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट ने लिया पूरी की पूरी अफ्रीकन कंट्री जो बीच बीच की जो लाइन दिख रही है आपको ये वाला ये वाला ये पूरा पूरा ये जो छाड़ निगेगर ये सारी चीजें और पूरा का पूरा, पूरा पार्टिसिपेटिंग कंट्री लगभग लगभग पूरी अफ्रीकन कंट्रीज की लगभग लगभग सत्ताईस कंट्रीज ने इसमें इनिशिएटिव लिया है वन सेकंड वन सेकंड One second. <coughs> Sorry. चलिए तो ये जो पूरा ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है पूरी अफ्रीकन कंट्रीज थी यहाँ पे ये पूरी अफ्रीकन कंट्रीज का मिला के ये आ, करीब करीब सत्ताईस कंट्रीज का इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव है क्या ये इनिशिएटिव ये है दोस्त कि जितनी भी ये हमारी आ, जो कंट्री है मतलब अगर टोटल डिस्टेंस देखा जाए इस पूरे का पूरे में तो लगभग लगभग साढ़े सात हजार किलोमीटर है और अगर आ, एरिया कवर इन्होंने जो किया हेक्टर वाइज में तो ग्यारह लाख समथिंग का हेक्टर कवर है अब इस पूरे हेक्टर्स में क्या किए जाएंगे ट्रीज लगाए जाएंगे देख रहे हैं आप ये कि पूरे इस एरिया में क्या लगाए गए ट्रीज लगाए गए हैं ताकि यहाँ पे क्या हो ग्रीनरी हो ताकि यहाँ पे क्या हो ग्रीनरी हो अल्टीमेटली ये ग्री ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का मतलब ही ये है कि जो तो पूरा एरिया यहाँ पे क्या हो ग्रीनरी हो ताकि ये जितना भी एरिया है ये सारा एरिया भी क्या है डेजर्ट एरिया है डेजर्ट एरिया आप जानते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है आ, अफ्रीका में लैंड तो बहुत है लेकिन वो बहुत ज़्यादा वहां पे क्या है डेजर्टिफिकेशन है तो उस डेजर्टिफिकेशन को चेंज करने को ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर अगर हम कह सकते हैं पूरा पूरा ग्रीन वॉल जो बना दी है अफ्रीकन की कुछ कंट्रीज में बनाई है तो पूरा डेजर्टिफिकेशन एरिया को चेंज करके क्या करा दिया उन्होंने पूरा पूरा ग्रीन uh, करा दिया और ये इस पूरे रीजन को जो है उसको वहां पे साहेल रीजन भी कहते हैं अगर आप जोग्राफी में पढ़ते हैं ये देखेंगे इस पूरे रीजन को साहेल रीजन भी कंट्रीज तो पार्टिसिपेट कर रही हैं पूरी हमारी अफ्रीका की और ये जो पूरा है इसको काफी सारी वर्ल्ड की कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस इनिशिएटिव को अच्छा मान रही हैं और काफी इसको प्रमोट करने के लिए पैसे भी दे रही हैं तो हाल ही में जनवरी में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने फोर्टीन बिलियन दिए हैं इस ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को ताकि यहाँ पे क्या हो कि कोई समस्या ना हो फंडिंग की इन अफ्रीकन कंट्रीज़ को ताकि ये अपना जो जो रिस्टोर कर सकें जो भी उनका डिग्रेडेड या डेजर्ट लैंड है वो कर सकें और बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकें क्या बायोलॉजिकल या एन्वायमेंटल डाइवर्सिटी से और इससे क्या होगा अल्टीमेटली उस रीजन की पूरी जो साहेल रीजन है वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा काफ़ी ज़्यादा उनमें चीज़ें बेटर हो सकती हैं तो ये पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है ये 2007 में स्टार्ट किया था अफ्रीकन यूनियन ने ताकि क्या कर सके जो अफ्रीका का जो लैंडस्केप है जो काफी ज्यादा क्या है बहुत ज्यादा बेकार है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड पुअरेस्ट रीजन जो था साहेल इसको हम क्या कर सके इम्प्रूव कर सके इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ठीक है तो ये अल्टीमेटली था कि हमें 100 मिलियन हेक्टर्स का करना है 2030 तक का करना है तो ये सब कुछ हमारी चीजें चल रही हैं इसका जो प्राइम एम है जो मैंने अभी आपको बताया ग्रेट ग्रीन वॉल का कि यहाँ पे क्या करें जो डेजर्टिफिकेशन से जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उससे हम कहीं ना कहीं उभर सके उसी टाइप का कंसेप्ट ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जैसे अफ्रीका में चल रहा है उसी टाइप का इनिशिएटिव इंडिया में भी चल रहा है इंडिया में चल रहा है गुजरात से हरियाणा पोरबंदर से पानीपत तक का चल रहा है पूरी जो हमारी अरावली रेंज है यहाँ पे आप जानते हैं अरावली रेंज हमारी इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है डेजर्टिफिकेशन हो रहा है तो यहां पे जो पूरा का पूरा जो रीजन चल रहा है ये देखेंगे आप यहां का जो पोरबंदर है गुजरात का यहां से लेके दिल्ली के हरियाणा का ये पानीपत और ये पूरी की पूरी क्या है अरावली रेंज है यहां पे भी क्या चल रहा है इस टाइप का ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव टाइप में चल रहा है यहां पे क्या किया जाएगा लगभग लगभग ये चौदह किलोमीटर का रास्ता है चौदह किलोमीटर का रास्ता और यहां पे क्या होगा कि जैसे वहां पे हमने पेड़ लगाए सारी चीजें लगाए वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे एफोरेस्टेशन करेंगे बहुत ज्यादा जितना भी ये जो अरावली रेंज पे जितना हमारा एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल एरिया नहीं होगा वहां पे हम क्या करेंगे आ, पूरा आ, जो एफोरेस्टेशन का एरिया करेंगे ताकि ग्रीनरी यहाँ पे हम प्रमोट कर सकें तो इंडिया में भी सेम इनिशिएटिव चल रहा है कहाँ पे पोरबंदर टू पानीपत याद रखेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे पूरा इंटायर अरावली रेंज हम कवर करेंगे और ये क्या करेगा एक हमारा बेरियर जैसा ता, 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 चेक करेगा जो पूरा थार्ड एरिया है हमारा थर्ड डेजर्ट है राजस्थान का और इसका अल्टीमेटली मकसद रहेगा कि हम चेक डेजर्टिफिकेशन करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना रहेगा एफॉर करना रहेगा तो ये इंडिया के परस्पेक्टिव से जो हम इंस्पायर्ड हुए किससे अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशियटिव से ठीक है दोस्तों सेकेंड जो हमारी न्यूज है वो है मैनेजमेंट इफेक्टिव इवाल्युएशन मैनेजमेंट इफेक्टिव इवालुएशन एक इवाल्युएशन किया है किसने किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने एक क्या किया एवाल्युएशन किया है कि आ, किसका किया है इन्होंने जो इवाल्यूशन किया है कि इंडिया में जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जितने भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब के सब के आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज एरियाज के के अंदर के अंदर प्रोटेक्टेड तो एक मिस मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि ये जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कितना अच्छा इफेक्टिव काम कर रहे हैं अपनी सेंचुरी को मैनेज करने के लिए जो भी उनका नेशनल पार्क है तो एक टाइप का उन्होंने पूरा का एक सर्वे किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने पूरे हमारे इंडिया के 146 जो नेशनल पार्क हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचूरीज हैं उनको मिला के किया है और उसके हिसाब से उन्होंने कुछ किया है कि ये किन किन जो मेन जो तीन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वहाँ पे कौन बढ़िया किया और किसने खराब काम किया है तो जो तीन उनके ऑब्जेक्टिव थे वो थे डिज़ाइन कैसा किया उनके प्लानिंग इश्यूज़ कैसे रहते हैं सेकंड उनकी जो एडिक्सी है वो कैसी क्या है वो अपनी जो टाइम जो उनके जो 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 टारगेट रहते हैं उसको वो कैसे डिलीवरी कर पा रहे हैं इसमें पूरा का पूरा उनके तीन ये बेसिकली आ, क्या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव थे या जो थीम थी इसमें जो बढ़िया किया है वो पांच हमारे नेशनल पार्क ने किया और पांच हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने किया अगर ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ये है पूरा उसका इवालुएशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने किया है सबसे जो बेस्ट काम किया है वो वेस्ट बंगाल की जल्दापारा नेशनल पार्क ने किया है ठीक है सबसे बेस्ट उसी के बाद सेकेंड वेस्ट बंगाल में दूसरी है जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो वो है रायगंज की तीसरा है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फोर्थ है हमारा क्या हिमाचल प्रदेश की ही ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और फिफ्थ है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल मिला के देखा जाए तो वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश टॉप इस ओवरऑल जो हमारा इवालुएशन था जिसमें नेशनल पार्क हमारे लगभग लगभग दो हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी तीन है ये याद रखने आपको जिनको रेटिंग के हिसाब से देख रहे हैं वेरी गुड मिला है और जो बॉटम फाइव में आए ये भी आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा की खा, खापरावास राजस्थान की रामसागर असम की पानी दिय बर्ड उत्तर प्रदेश की जयप्रकाश नारायण सुरथर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो पांच है ये नेगेटिव है ये पांचों का जो हुआ है ये स्कोर बहुत कम हुआ तो आपको यहाँ से ये भी पता पड़ सकता है कि भैया ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है कहाँ पे राय रायगंज जल्दापारा सेन ग्रेट हिमालयन तीर्थन और टर्टल खपरावास रामसागर पानी दिंज और जयप्रकाश ये सारी चीजें भी आप इसमें पता कर सकते हैं

सारे स्पीशीज़, सारे एनिमल्स का कंजर्वेशन होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ स्पेसिफिक एक या दो स्पीशीज का ही होता है जहाँ पे उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कंजर्वेशन uh, मेथड अपनाना चाहिए नेशनल पार्क सभी के लिए होता है हॉलिस्टिक होता, होता है ऑल होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है स्पेसिफिक टर्टल की करा दी ठीक है बर्ड की करा दी कोई बर्ड की सेंचुरी है टर्टल की सेंचुरी है ठीक है रीनो की सेंचुरी इस टाइप से हमें स्पेसिफिक जो एक स्पीशीज है जो काफी खत, जो काफी वलनरेबल है उसके लिए हमें क्या करना रहेगा एक स्पेसिफिक हम सेंचुरी बना देते हैं कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है दोनों लगभग लगभग सेम होता है लेकिन जो कंजर्वेशन रिजर्व होता है ये टोटली totally क्या होता है गवर्नमेंट या पब्लिकली मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और जो कम्युनिटी रिजर्व होता है इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी हो सकता है मतलब कि गवर्नमेंट प्लस पब्लिक का भी इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइज का भी कुछ लेना देना हो सकता है दोनों का मकसद यहाँ पे होता है क्या कंजर्वेशन करना ठीक है तो ये चीज भी आपको याद रखिएगा कि जितने भी हमारे इंडिया के प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं चाहे वो नेशनल पार्क हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो कंजर्वेशन रिजर्व हो कम्युनिटी रिजर्व हो तो टोटल एक्ट के अंदर गवर्न करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के अंदर में लगभग लगभग आज आप इंडिया में देखेंगे तो लगभग लगभग अगर एट 800 के आसपास हमारे क्या यहाँ प्रोटेक्टेड एरिया सॉरी 903 903 हमारे क्या टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज आज की डेट में है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चलिए इधर तक किसी को डाउट इन दो न्यूज में तीसरी जो हमारी न्यूज है अभी ये इनिशिएटिव लिया नहीं गया अभी इस पर बात चल रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे जो हमारे हैं नितिन गडकरी साहब उन्होंने कहा है कि ग्रीन टैक्स लगाना जरूरी है इन्वॉर्मेंट को कंजर्व करना है तो हमें ग्रीन टैक्स लगाना पड़ेगा जो भी व्हीकल है जो पुराने हो चुके हैं अब इसपे अलग अलग टाइप का व्हीकल का लिया गया है जो 10 साल से पुराने व्हीकल है कोई 15 साल से पुराना व्हीकल है तो उस हिसाब से अलग 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 लिया लिया गया है कि कौन सा आपका आ, डीजल व्हीकल है कौन सा आपका पेट्रोल व्हीकल है कौन सा कमर्शियल व्हीकल है कौन सा प्राइवेट व्हीकल है कौन सा एग्रीकल्चर व्हीकल है तो काफी ज्यादा क्या है इस इसपे वेरिएशन है इसलिए काफी ज्यादा दिक्कत भी आ रही है कि ग्रीन टैक्स पे किस हिसाब से हम क्या लगाए टैक्स लगाए तो काफी डिफरेंशियल रेट है सारे की जो पेट्रोल व्हीकल है उनपे हम कम लगाएंगे और जो डीजल है उनपे हम ज्यादा लगाएंगे और टाइप ऑफ व्हीकल जो कमर्शियल या प्राइवेट टाइप में तो एक नया कंसेप्ट आया है ग्रीन टैक्स की हमें जो चीजों इन्वाट को नुकसान पहुंचा रही है उस पर हमें टैक्स लगाना पड़ेगा चाहे वो व्हीकल हो चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो जैसे प्लास्टिक है प्लास्टिक पे भी लगता है टैक्स हमारा या कोई भी ऐसी चीज है जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है उस पर हम क्या लगा सकते हैं ग्रीन टैक्स लगा सकते हैं तो उसी हिसाब से बात चल रही है कि लोगों को डिस्करेज करें जो पुराने व्हीकल हैं वो ज्यादा पॉल्यूट करते हैं इसलिए वो उस चीज को छोड़ दें और इसीलिए वो लगाया गया है तो इसकी जो कुछ हाईलाइट है इसको इन्वायरमेंट टैक्स भी बोला जाता है ग्रीन टैक्स को और दूसरा इसमें जो है कि कुछ जो व्हीकल्स हैं जो आठ साल से पुराने हो गए उन उनपे हमें लगाना चाहिए दस से पच्चीस परसेंट अगर वो फिटनेस जो उनका सर्टिफिकेट जो हम रिन्यू कराते हैं जो हमें आपको पता होगा कि कोई गाड़ी आप चला रहे हैं आपने आज गाड़ी खरीद ली दो में उसका जो आर होता है वो दस साल का होता है मैक्स टू मैक्स पंद्रह साल का होता है जब आप दस साल बाद पंद्रह साल बाद दोबारा रिन्यू कराने जाएंगे आर ऑफिस में तो वहां पे फिटनेस चेक कराएंगे और फिर आपके वो नॉर्मल कर देते थे लेकिन अब क्या होगा पहले जैसे एक परसेंट दो परसेंट रोड टैक्स लगता था अब इनका जो पुराने व्हीकल है उनका दस से पच्चीस परसेंट का रोड टैक्स लगेगा इससे क्या होगा अल्टीमेटली आदमी क्या करेगा डिस्करेज करेगा कि नहीं यार ये गाड़ी हम बेच देते हैं या हम इसको रीसेल कर देते हैं कास्ट 24 या जो सारी चीजें हैं और हम एक नई ले, ले लेते हैं या फिर अगर वो नहीं, नहीं ले पा रहा है तो वो क्या करेगा मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ ये गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा इसको बेच देता हूँ तो इस टाइप में क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम क्या कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं और जो पर्सनल व्हीकल्स है उसको हम कहीं कही ना कहीं डिस्करेज कर रहे हैं तो इस टाइप से हम कर रहे हैं बाकी सिटीज के हिसाब से भी हो रहा है जैसे दिल्ली है कानपुर है भोपाल है यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है पॉल्यूशन uh, uh, हो रहा है थ्रो पुराने व्हीकल्स तो क्या होगा यहाँ पे भी हम ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं फिफ्टी परसेंट तक हम रोड टैक्स लगा सकते हैं जहाँ पे uh, जो सिटीज है वो काफी पॉल्यूटेड है वहाँ मतलब अलग टाइप का हर सिटी पे वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच नहीं रहेगा जहाँ पे जिस टाइप की जरूरत रहेगी किस सिटी में ज्यादा पॉल्यूशन है तो वहां पे हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे किसी सिटी में नहीं है पॉल्यूशन तो वहां पे पुराने व्हीकल पे हम कम टैक्स लगाएंगे तो हर एक में हम अलग तरीके से लगाएंगे इसमें कुछ जो एग्जम्पन दे रखे हैं कि जो हमारे हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं जो मिक्स टेक्नोलॉजी से बनते हैं ये जो बायोगेस से चल रहे हैं बायोफ्यूल से चल रहे हैं या जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सी से एल से या जो व्हीकल जो फार्मिंग में यूज होते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली हार्वेस्टर इन सब को हम क्या करते हैं अलग रखते हैं तो लेकिन अब ये चीज़ें ने जो एग्जम्पन कर दिया ये बहुत ज़्यादा जो प्रैकेट एग्जम्पन का कर दिया वो बहुत ज़्यादा कर दिया आपने जो जो व्हीकल्स हैं हमारे आ, फार्मर सेक्टर के ट्रैक्टर हार्वेस्टर ये आपने बाहर कर दिया अल्टरनेट फ्यूल से चलिए ठीक है लेकिन जो फार्मर कम्युनिटी का ये भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं इन पे भी आपको कुछ ना कुछ क्या करना रहेगा टैक्स लगाना चाहिए अगली जो न्यूज है हमारी वो ये है कि हमने अभी इंटरनेशनल इं, इंटरनेशनल जो हमारी आ, ए, ए, एनर्जी एजेंसी है आई -ए -ए, उसके साथ इंडिया ने क्या किया एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट अच्छा है क्या है यह अब हम इतना नहीं जाएंगे हमें जो बेसिकली जाना है कि जो आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी उसका इंडिया परमानेंट मेंबर अभी भी नहीं है इंडिया उसका सिर्फ एक ऑब्जर्वर मेंबर है इंडिया अभी भी उसका परमानेंट मेंबर नहीं है इसके लिए मेंबर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है और वो क्राइटेरिया यह है कि आप जैसे इंडिया जो ऑयल मंगाती है बाहर से तो उसको कम से कम स्टोर करने के लिए इंडिया में कम से कम नब्बे दिन का आपके पास क्या होना चाहिए आ, कि मान लीजिए कल से इंडिया में इंपोर्ट आना बंद हो जाए कल से इंडिया जो ईरान इराक कुवैत या किसी भी कंट्रीज जो इंडिया ऑयल इंपोर्ट करती है वो कल से वहां बंद हो जाए तो इंडिया के पास कितने दिन का रिजर्व होना चाहिए कि वो बिना इंपोर्ट करे भी अपने इंडिया की पूरी इकोनॉमी चला ले सारा जो हमारा पेट्रोल क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं वो आए और इंडिया में वो चल जाए तो लगभग लगभग उस कंट्री में मेंबर में बनने के लिए हर कंट्री के बाद नब्बे दिन का कम से कम क्या होना चाहिए स्टोर कैपेसिटी होना चाहिए ठीक है लेकिन इंडिया के पास इतना नहीं है इंडिया के पास अभी सिर्फ लगभग लगभग बारह दिन ही का क्या है क्रूड ऑयल की रखने की वो है मतलब पहले दस दिन का था लेकिन अब इंडिया धीरे धीरे बारह दिन का कर दिया लेकिन इंडिया अभी भी बहुत ज्यादा नब्बे दिन का अभी भी इंडिया नहीं है तो इंडिया बहुत पीछे अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बता दूं कि ये यूएन की एजेंसी नहीं है ये ओई ने बनाई है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ने बनाई है यूएन से इसका कोई लेना देना नहीं है 1974 में बनाई है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस के फ्रांस में और ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी करनी है हाल फिलहाल में इसमें तीस फुल मेंबर हैं जिसमें इंडिया नहीं है पहली बात आपको याद रखनी पड़ेगी और जो फुल जो मैं कह रहा हूं आपको इंडिया एज अ ऑब्जर्वर या एसोसिएट मेंबर है और चाइना भी उसी के कैटेगरी में आता है तो इंडिया इन तीस मेंबरों में नहीं है प्लीज ये याद रखिएगा इंडिया फुल मेंबर नहीं है इंडिया सिर्फ अभी एसोसिएटेड या ऑब्जर्व मेंबर है इंडिया अभी नहीं बन पाएगा इंडिया कब बन पाएगा जब ये नाइनटी डेज का क्राइटेरिया इंडिया फुलफिलमेंट कर देगा तब इंडिया क्या बन जाएगा और ये चाइना के पास भी नहीं उसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट है आपको पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि ये जो एजेंसी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कई रिपोर्ट पब्लिश करती है हर साल वो आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन आ चुके हैं सारे आपकी यूपीएससी में लगभग लगभग तो जो पांच रिपोर्ट है जो मेन है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिस्टिक वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेज ग्लोबल एनर्जी एंड सीओ टू स्टेटस रिपोर्ट और एनर्जी टेक्नोलॉजी परसपेक्टिव ये जो पांच रिपोर्ट है प्लीज ये आप लोग याद रखिएगा ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज हैं जो हर साल रिलीज करती है अगली जो न्यूज है हमारी वो है इंडिया में एक और मशरूम को क्या मिल गया जी आई टैक्स ये जो मशरूम का नाम है बहुत महंगी है और इस मशरूम को जो नाम दिया है वो गुची नाम दिया गुची अब आप ये मशरूम देखेंगे इस टाइप की मशरूम दिखती है और ये जो मशरूम है ये जो है वो आपकी जम्मू एंड कश्मीर रीजन में जम्मू एंड कश्मीर रीजन के मशरूम पाई जाती है ये मशरूम काफी कॉस्टलियर है कॉस्टलियर क्यों है क्योंकि इसमें काफी सारे विटामिन हैं काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो डायबिटीज जो शुगर वाले हैं उनके लिए काफी ज्यादा अगर वो खाते हैं तो मतलब काफी ज्यादा सही है ये और ये बहुत महंगी और ये कहाँ पे जो गुची ये है हमारे जो कश्मीर का जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पाई जाती है और ये बहुत ज्यादा महंगी है ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये फायदा इसलिए क्योंकि अभी ये जी आई टेक हो गया तो जो फार्मर इसको कल्टीवेट कर रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा इसमें अच्छी इनकम मिलेगी क्योंकि जी आई टेक के बाद क्या होता है ग्लोबली भी इस जो मशरूम की क्रॉप है उसको काफी ज्यादा रिकोग्निशन मिलेगी तो अब फार्मर को भी क्या होंगे हाईअर प्राइस मिलेंगे और ये क्या है एक स्पीशीज है जो मशरूम आपको पता है किसकी स्पीशीज होती है फंगस की होती है और वो फंगस की कौन सी फैमिली से होती है वो है मॉर्की ऑफ द अशोकोमाइक काइटा ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ फंगस की स्पीशीज होती है मशरूम कलर इसका पेल येलो होता है ठीक है और ये मिलती कहा है हाई अल्टीट्यूड एरिया में जो कहा है कश्मीर की डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये पता होना चाहिए आपको बेनिफिट्स ये होना चाहिए मैंने ये बताया आपको कि जो डायबिटीज जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए काफी अच्छी ये है ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है ठीक है जी टेक क्या है ये पता होना चाहिए आपको कि कोई भी चीज जोग्राफिकल से उसकी पहचानी जाए जैसे दार्जिलिंग की चाय पत्ती दार्जिलिंग की टी हम कहते हैं वो ज्यादा तिरुपति का लड्डू तिरुपति एक एरिया चंदेरी की साड़ी महेश्वरी की साड़ी तो उस एरिया की जोग्राफिकल लोकेशन से उसका इंडिकेट हो उसकी पहचान हो दैट इज कॉल्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन और ये जो टैग होता है ये वर्ल्ड में भी दिया जाता है और इंडिया के जो दिया जाता है इंडिया की जो मिनिस्ट्री है वो याद रखना पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जो इंडिया में प्रोवाइड करती है जी टैग और उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा डी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये डिपार्टमेंट है जो इंडिया में जिसको भी जी टैग मिलता है वो ये प्रोवाइड कराता है ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस न्यूज़ में अगली न्यूज़ है हमारी अडेप्टन गैप रिपोर्ट अडेप्टन गैप रिपोर्ट 2020 है इसमें आपको ये 2020 की जो रिपोर्ट है ये सबसे पहले आपको याद रखना है कौन रिलीज करता है तो इसको रिलीज़ करता है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एन्वायरमेंटल गैप इसको रिलीज करता है और इसमें इन्होंने बोला है कि जो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी एन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो काम करना पड़ेगा मिटिगेशन और अडेप्टन जो करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले हैं आने वाले टाइम में उन्होंने कहा कि आज जैसे 2020 चल रहा है तो 2050 तक ये जो कॉस्ट है उनकी चार गुना बढ़ जाएगी तो इसके लिए उन्हें जरूरत पड़ेगी कोई एक्सटर्नल फंडिंग की और वो एक्सटर्नल फंडिंग चाहे वो डेवलप्ड कंट्री दें या कोई इंस्टीट्यूट दें वो भी हमको देखना है तो ये जो बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है उसके बारे में उन्होंने पूरी बात बोली है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उनको देना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को क्योंकि वो इतनी सक्षम एफोर्टेबल नहीं है कि वो अपनी सारी चीजें कर पाएं तो प्लीज़ याद रखिएगा ये जो रिपोर्ट का नाम है ठीक है अगली न्यूज है मिशन इनोवेशन मिशन इनोवेशन एक प्रोग्राम है जो बहुत पुराना प्रोग्राम है मिशन इनोवेशन उसी को रिन्यू करके जो लाए गए मिशन इनोवेशन 2.0 मिशन इनोवेशन 2.0 में हमने बात करी है कि हम अपने यहाँ पे कैसे हर कंट्री हर कंट्री इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी है इंडिया भी उसका एक मेंबर है मिशन इनोवेशन का कि कैसे हम क्या करें कैसे हम अपनी कंट्री को एक क्लीन एनर्जी बनाए कैसे चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो या कोई भी ऐसी एनर्जी हो जिसमें हमारा आ, क्या हो सकते हैं लोअर कॉस्ट लगे चीप हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन लगे ये सारी चीजें कुल मिला जो मिशन इनोवेशन है ये एक क्लीन एनर्जी है मतलब कि चाहे वो विंड एनर्जी हो सोलर एनर्जी हो बायो एनर्जी हो आ, कोई भी ऐसी एनर्जी हो जो एन्वायरमेंटल को लॉस ना पहुंचाती हो उसके लिए एक हमें क्या करना रहेगा मिशन लेवल पे इनोवेशन इनोवेशन मीन्स कोई नई चीज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली हमें काम करना है यहां पे ये जो मिशन इनोवेशन है इसमें लगभग लगभग 25 मेंबर्स हैं इसमें लगभग लगभग 25 मेंबर्स हैं इंडिया उसमें से एक मेंबर्स से। है सेकंड उसको आपको याद रखना है ये जब कब स्टार्ट हुआ ये 2015 में स्टार्ट हुआ जब हमारी पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी जिसको हम सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 भी कहते हैं यहां पे इसका कांसेप्ट आया था मिशन इनोवेशन 2.0 का ठीक है इसमें लगभग हाँ लगभग लग जितनी भी पच्चीस मेंबर्स कंट्री इन इन सबका यही है कि हमें क्या करना है बहुत ज्यादा फोकस करना है क्लीन एनर्जी में ठीक है इंडिया की तरफ से जो नोडल एजेंसी है मिशन इनोवेशन की वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंडिया के हिसाब इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट कर रही है और इसमें हमने क्या किया है? कि हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है किस पे क्लीन एनर्जी को हम कैसे आ, बहुत ज्यादा करें और इसमें हमें पब्लिक प्राइवेट और एज अ मास मूवमेंट की जरूरत है ताकि हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सके जैसे मैंने कहा मिशन इनोवेशन सीओ पी टी ट्वेंटी वन पैरिस में लॉन्च हुई थी और यहाँ पे लगभग लगभग अभी चौबीस कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन की पूरी अट्ठाईस कंट्री है उसमें से एक चौबीस कंट्रीज में इंडिया भी है ठीक है तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ मिशन इनोवेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ट्वेंटी वन पैरिस क्लाइमेट से ये स्टार्ट हुआ है हर कंट्री का ये इनिशिएटिव है कि हम इसमें क्या करेंगे कि हमें अपने यहाँ पे क्लीन एनर्जी की चीजों को लाना है इसमें लगभग लगभग आठ आठ हैं में में वो कौन से हैं ये आपको ज़्यादा पता नहीं होना चाहिए लेकिन PDF में है कि हम कैसे क्या करें स्मार्ट ग्रिड्स बनाए ये आपको दिखेगा नहीं इसमें काफी धुंधला है लेकिन पीडीएफ में आपको दिख जाएगा स्मार्ट ग्रिड्स पहला बायोफ्यूल अफोर्डेबल हीटिंग एंड कोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ ग्रिड एसेस टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टिंग सनलाइट रिन्यूएबल एंड क्लीन हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी मटेरियल्स एंड कार्बन कैप्चर ये पूरे आठ जो मिशन है ये भी इसके अंदर में बताए गए हैं अगली जो न्यूज है हमारी वो है फोर थाउजेंड करोड़ डीप ओशन मिशन इन यूनियन बजट 2021 इस बार का जो बजट था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने चार करोड़ दिए हैं अलोकेट करें किसके लिए डीप ओशन डीप मश... ओशन मिशन के लिए कोर डीप ओशन मिशन के लिए अब ये डीप ओशन मिशन क्या होता है कि जो हमारे ओशियन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हम अपना ग्रोथ कर सकते हैं जैसे कि वहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जैसे पॉली मेटेलिक न्यूडल्स होते हैं काफ़ी सिलिकन जर्मेनियम ये सारे मिनरल्स भी मिलते हैं ओशन जो बेड पे मिलते हैं यहाँ पे हम टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं फिशिंग भी हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं बहुत ज़्यादा ऐसी जैसे ऑयल एंड गैस के रिजर्व मिलते हैं काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें डीप ओशन में मिलती हैं तो ये पूरा एक बजट आउटले किया गया था ताकि हम पूरे अपने ओशियन सर्वे का एक्सप्लोर कर सकें और वहां की बायोडाइवर्सिटी को पहचान सकें तो यहाँ पे बोला गया कि ग्लोबली अगर हम देखें सिर्फ 11 परसेंट हम इसको जान पाए हैं मैरिन स्पीशीज़ को हमें और ज़्यादा ज़रूरत है मतलब लगभग लगभग लग 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 हम 90 परसेंट अभी अनएक्सप्लोर है हमारा तो इसमें हमने बात करी है इस मिशन में ताकि इसमें हमने सहायता ली है जो गोवा का लिया हैोवा की यूनिवर्सिटी है ओशन है के जानना ओशन कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस सब में तो उसके लिए एक ऑलरेडी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था इससे पहले भी जिस प्रोजेक्ट का नाम है आपको याद रखना ओ स्टोम्स ओ एस्टोम्स ये जो प्रोजेक्ट है ये किसने चलाया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने और ओ मतलब ओशियन एस मतलब जो आपका है ओशियन सर्विसेज टी मीन्स टेक्नोलॉजी ओ मींस ऑब्जर्वेशन आर मींस रिसोर्सेज एम फॉर मॉडलिंग एस फॉर साइंस ओशियनिक सर्विस टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्स मॉडलिंग एंड साइंस प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने इसका भी काम यही है कि हम क्या करें ओशियन की सर्विसेज को जाने वहां को ऑब्जर्व करें वहां को हम कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है ये सारी चीजें हम वहां पे कर सकते हैं ठीक है तो ये था हमारा ओ प्रोजेक्ट और उसी के उस साथ में एक और प्रोजेक्ट था उसका नाम था ओ स्मार्ट ओ स्मार्ट प्रोजेक्ट स ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी तो ये जो दो है दोनों के दोनों ओ स्मार्ट और ओ स्टॉम्स ये दोनों के दोनों मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के प्रोजेक्ट है जिसका अल्टीमेटली ये है कि हम क्या कर सकें ओशियन को जान सकें अपना अगली न्यूज है हमारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्या है ये पहली बात याद रखना है कि आपको कौन सा कौन इसको रिलीज करता है तो इसको जो रिलीज कर करने, करने वाली जो एजेंसी है और वो है आपकी कौन सी है ग्लोबल एडेप्टन समिट में ये हुआ था ग्लोबल क्लाइमेट एडेप्टन समिट 2021 में इसको लॉन्च किया गया किया गया था और इंडिया जो है आपकी इंडिया जो इसकी जो मेंबर है इंडिया बहुत ज्यादा इसमें नीचे दिखाई गई है कि इंडिया में बहुत ज्यादा क्या होते हैं जो नेचुरल हजार्स होते हैं चाहे फ्लड हो साइक्लोन हो अर्थक्वेक हो इसमें इंडिया बहुत ज्यादा क्या है पीछे है इंडिया का मतलब कि इंडिया अगर टॉप पे है मतलब कि इसमें इंडिया वल्नरेबल है काफी ये अगर देखते हैं अगर इसमें आप तो इंडिया का जो नंबर है वो लगभग लगभग सातवा है ठीक है इंडिया का लगभग लगभग सातवा मतलब इंडिया काफी वलरेबल है इंडिया काफी अगर देखा जाए कि दो बीस सालों में 2000 से 2020 के सालों में आप देखा जाए तो लगभग लगभग साढ़े चार लाख लोग इंडिया में मर चुके हैं और वो किस लिए मर चुके हैं क्योंकि इंडिया में उतने दौरान ग्यारह हजार ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स आए थे जैसे मैंने कहा कि फ्लड साइक्लोन ये सारी चीजें आई हैं तो इंडिया काफी वल्नरेबल है इन सब चीजों में चाहे वही मैंने कहा साइक्लोन जो उसको हरिकैन भी कहते हैं काफी ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट है साउथ सुडान नाइजीर बोलीविया बेटर इन कंपेरिजन टू इंडिया इंडिया इज टॉप टेन वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू जो हमारे एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं ठीक है और ये जो इंडेक्स है ये कौन रिलीज करता है हमारा ये जो एक है जर्मन वॉच एक एनजीओ है जो जर्मनी की है ठीक है जर्मन वॉच एक एनजीओ है ये हर साल ये रिलीज करता है हमारा इंडेक्स कई चीजें होती हैं दोस्त जो आप पीडीएफ में बाद में पढ़ सकते हैं मैं सिर्फ मेन मेन चीजें बताता हूँ कई चीजें होती हैं जो आप अलग से पढ़ सकते हैं नेक्स्ट इसकी एक और है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है इस बार अभी प्राइम मिनिस्टर ने इसको वर्चुअली इनाग्रेट किया इस बार की जो थीम थी वो थी रिडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंटल ऑफ ऑल वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज कराता है इंडिया के एक ऑर्गेनाइजेशन ने द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट द एनर्जी तेरी जिसको हम बोलते हैं द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट है वो इसको वो क्या कराता है इसको हेल्ड कराता है और जो तेरी है ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती तेरी एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है 1974 में एक टाइप का आ, आ, क्या कह सकते हैं कि रिसर्च करता है चीजों के बारे में कि इन्वायरमेंट कैसे हमारा डेवलप हो सकता है कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जा सकते हैं इस टाइप का एक इंस्टीट्यूट है इंडिया का किसी मिनिस्ट्री के अंदर ये काम नहीं करता है, ठीक है और ये हर साल ये समिट हेल्ड कराता है जिसका नाम है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट वर्बल डेवल ठीकनेबल डेवलमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट पहले नाम था इसको चेंज करके क्या रख दिया गया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हेल्ड कौन कराता है हर साल तेरी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हेल्ड कराता है आपको अब आपको ये इसमें जानना है कि जो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ये कहाँ से आया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता ही है कि भैया आज हम जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो इस तरीके से यूज करो कि फ्यूचर में भी हम उसको हमारी जनरेशन उसी क्वालिटी और क्वांटिटी में हम यूज़ कर सकें ये जो वर्ड आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट है कब आया है ये ब्रेटलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट थी उसमें ये वर्ड यूज किया गया था और उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर तो नाइनटीन में टर्म स्टार्ट हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से ब्रेटलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट थी जिस रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है हाइड्रोजन एनर्जी मिशन ये हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की भी जो बात है इस बार के बजट में करी गई है हमारी कि कैसे हम अपनी हाइड्रोजन से एनर्जी बना सकें और इसके लिए पैसे भी अलोकेट किए गए हैं कि हम कैसे ग्रीन एनर्जी को अल्टीमेटली हम क्या कर सकें ज़्यादा फोकस कर सकें तो इसमें लगभग लगभग पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है इनको हम सहायता करेगी गवर्नमेंट इनको सहायता करेगी इस बार के नए बजट में आई है तो अभी ज़्यादा इसमें चीज़ें खुली नहीं है इसमें सिर्फ ये बोला गया कि हम लगभग लगभग तीन लाख करोड़ देंगे आने वाले पांच सालों में जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज रहेंगी ताकि आप ज़्यादा क्या करें हाइड्रोजन एनर्जी पे फोकस करें ये ज्यादा हमारा फोकस है जिस हिसाब से भी हमारी थर्मल एनर्जी पे फोकस है तो इससे ज्यादा हम किस पे फोकस कर सकते हैं हाइड्रोजन एनर्जी पे हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं हम आ, उसको कंज्यूमर को भी प्रोवाइड कर सकते हैं और हम इसको जो हमारी कमर्शियल इंडस्ट्रीज हैं जो या फिर ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बस भी चल चुकी है सी एन जी भी चल चुकी है तो ये सारी चीजें हाइड्रोजन सी हाइड्रोजन कम्प्रेस नेचुरल गैस भी चल चुकी है हमने लास्ट क्लास में बताया था कि वो बेटर क्लीनर फ्यूल है कम्पेयरजन टू सी और सी एक बेटर फ्यूल है कम्पेयरजन टू डीजल तो हम लोग अब अपनी और ज्यादा ऊपर जा रहे हैं ताकि हमारा क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो ठीक है तो इस इसपे ज्यादा चीजें अभी खुली नहीं है इस पर सिर्फ इतनी बात हुई है कि हमें इस पर फोकस करना है अगली न्यूज है, है हमारी कैराकल कैराकल आप ये देख रहे हैं कैराकल का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कैराकल को इस बार नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो मिनिस्ट्री ऑफ के अंदर काम करता है उसने कैराकल को किसके अंदर अंदर डाल दिया इंडिया में क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज के स्टेटस में डाल दिया ये एक टाइप की बिल्ली होती है वाइल्ड कैट होती है जो आप देख रहे हैं इधर पे ये बिल्ली जैसी दिख रही है आपको ये अब क्रिटिकल इंडेंजर्ड में डल चुकी है इंडिया की लिस्ट में ठीक है तो ये इसका जो एक और नाम कहते थे इसको काराकुलक काराकुलक भी कहते थे इसको क्यों क्योंकि इसके जो कान है वो क्या है ब्लैक है ठीक है तो इस हिसाब से इसका नाम दिया है काराकल लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है अब वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ चुकी है इंडिया में हाल फिलहाल ये कहाँ रहती है तो मध्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान में तीन जगहों पे रहती है हर जगह इसका अलग अलग नाम है ठीक है जैसे मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं सियाघुष गुजरात में कहते हैं हॉर्नोत्रो और राजस्थान में कहते हैं जंगली बिल्लाव और वाइल्ड कैट तो हर जगह इसका प्रेजेंस है इन तीन स्टेटों में अगली न्यूज है हमारी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमेशा तीन मार्च को मनाया जाता है इस बार की जो थीम थी वो थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड हैबिटेट ये हर साल मनाया जा रहा है और ये कब से मनाया जा रहा है 2013 से मनाया जा रहा है वाइल्ड लाइफ डे ताकि हमारा जो वाइल्ड लाइफ को हमें कैसे कन सॉरी कंजर्व कन, करना है उस हिसाब से हमें किया गया और ये इसके लिए कई सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है जहां इंडिया ने भी साइन किया हम लोग कभी पूरा पढ़ते जा रहे हैं साइट्स

नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो है सिमली पाल जो हमारा नेशनल पार्क है सिमली पाल रिजर्व है वहाँ पे क्या हो गई वाइल्ड फायरस हो गई हैं तो इसके लिए न्यूज हमें सिर्फ ये पढ़ना है सिमली पाल बायोस्फेयर रिजर्व तो सिमली पाल कहाँ पे पहली बात आपको याद रखना है ये आपका मयूरभ डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में वहां पे है सिमलीपाल और सिमली पाल एक हमारा बायोस्फेयर रिजर्व भी है जो सिम्बली पाल का जो नाम आया है वो आया है एक सिमूल करके वहां पे लोकल एक ट्री होता है सिल्क कॉटन ट्री वहां से नाम निकला है सिम्बली पाल तो लोकल में इसको क्या बोलते थे सिमुल जो कि एक कॉटन ट्री है वहां से नाम डिराइव हुआ किसका सिम्बली पाल का सिम्बली पाल को अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री में जाऊं तो सबसे पहले उसको डेजिग्नेट किया था एज अ टाइगर रिजर्व में 1956 में और फिर उसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंदर भी शामिल किया था 1973 में सिमली पाल को बायोस्फेर का जो रिजर्व का टाइटल दिया था वो दिया था जून 1994 में जून 1994 में Simlipal को रिजर्व का इंडिया में मिला था उसको डेजिग्नेशन और 2009 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फे रिजर्व में घोषित किया था तो जो 1994 में था वो इंडिया ने उसको घोषित किया था और 2009 में उसको यूनेस्को ने उसको घोषित किया था ठीक है यहाँ पे एक एलिफेंट रिजर्व भी है एक एलिफेंट कॉरिडोर भी है जिस पूरे कॉरिडोर को कहा जाता है सिमलीपाल कुलडिया हदगढ़ ये पूरा एक एलिफेंट रिजर्व भी है जिसको हम आज की डेट में जानते हैं मयूर भांज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी ठीक है इस सिमलीफाल के अंदर तीन प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो आपको याद रखना है सिमलीफाल टाइगर रिजर्व हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तीन के तीन किसके अंदर काम करते हैं सिमली पाल बायोस्फियर रिजर्व इनके अंदर में ये तीन रिजर्व काम करते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसकी लोकेशन मैंने बता दी जॉग्र आपकी ये कहाँ पे उड़ीसा के मयूरभंज टाइगर रिजर्व में ठीक है यहाँ पे किस टाइप का वेजिटेशन होता है ये देखेंगे आप जो सिक्किम है वो काफी हमारा आ, आ, सब ट्रॉपिकल है जो ट्रॉपिकल से थोड़ा ऊपर लेकिन ट्रॉपिकल ही रहेगा और यहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है वो थोड़ा सेमी एवरग्रीन या ड्राई डेसीडियस टाइप का फॉरेस्ट यहाँ पे रहता है ज्यादातर यहाँ साल के ट्रीज मिलते हैं साल और मीडोज के यहाँ पे ज्यादातर वेजिटेशन मिलता है यहाँ पे एक और जो चीज रखनी है दो टाइप की ट्राइब यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है एरिंगा खरियास और दियास ये दो ट्राइब्स दो हैं जो यहाँ पे काफी सालों से यहाँ पे रहती हैं कौन सी इरंगा खरियास और मन वाइल्ड लाइफ में मैंने बताया कि यहाँ पे वाइल्ड यहाँ पे एलिफेंट्स भी हैं टाइगर भी हैं और काफी ज्यादा बर्ड्स और एम्फीबियन के स्पीशीज भी यहाँ पे काफी ज्यादा मिलते हैं तो दोस्त ये थी हमारी आज की न्यूज लगभग लगभग हमने मार्च के मिड या मार्च को खत्म कर लिया अब अगर आपका पेपर अगर टलता है सत्ताईस जून से नहीं तो मैं अप्रैल मई का भी एक वीडियो इकट्ठा जून में लाऊंगा आपके लिए और अगर पेपर आपका यूपीएससी का टलता है तो फिर हम इसी को कंटिन्यू करें कम से कम दो महीने का करंट अफेयर होना चाहिए तो अगर मेरे हिसाब से पूरा ये महीने का जो मैंने कमिटमेंट किया था आपको पांच क्लास में कवर करने का वो हो चुकी है पांच क्लास में हमारा पंद्रह महीने का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है इनगरमेंट का पर्सपेक्टिव से तो आई होप दोस्तों ये जो सीरीज है ये आपको अच्छी लगी होगी हम इकोनॉमी की भी अब इसी हिसाब से सीरीज स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट वीक से हम इन्वायरमेंट को भी उसी हिसाब से पाँच से छः क्लासेस में हम खत्म कर देंगे तो बस दोस्त यही था और आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट करिएगा कैसी आपको ये सीरीज अच्छी लगी क्या आप और चाहते हैं ये सारी चीज़ें प्लीज हमें थोड़ा फीडबैक दीजिए अच्छा लगता है आप लोग लिए इतना कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा इसको एज अ मोटिवेशन के पार्ट में आप हमको इतना कर सकते हैं थैंक यू फॉर